जेएसएससी कार्यालय में जो घेराव करने गए थे उनके ऊपर जो एफआईआर किया उसको वापस किया जाए, उस एजेंसी के ऊपर एफआईआर किया जाए जो इस पूरे परीक्षा को कंडक्ट कराई है। उसमें कई छात्र छात्राएं ऐसे थे जिनकी शादी हो चुकी, बच्चे हो चुके और उनको रोजगार नहीं मिला। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई की जाँच हो। उग्र होना जाहिर सी बात है कि उग्र लोग होंगे, जब राज्य सरकार को यहाँ के युवाओं की चिंता नहीं है तो फिर यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे। जेएसएससी की तरफ से 28 जनवरी को परीक्षा ली गई, जिसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आया। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही लगातार जो अलग अलग छात्र संगठन हैं आंदोलन कर रहे हैं, शुरुआती आंदोलन में, फिर आगामी जो 4 फरवरी को परीक्षा होनी थी उसको रद्द किया गया। लेकिन अब छात्रों की मांग है कि इस पर सीबीआई जांच हो। आपको बता दें कि इस पर एसआईटी की जांच चल रही है, साथ ही ईडी भी इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन छात्रों का मांग है कि इसमें सीबीआई की जांच हो। और आज आजसू के जो छात्र संगठन हैं वो मशाल जुलूस के साथ फिरायालाल चौक पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या मांग को लेकर ये मशाल जुलूस निकाला गया? जेएसएससी परीक्षा पत्र लीक को लेकर आजसू पार्टी के प्रमुख श्री सुदेश कुमार महतो जी ने विधानसभा के विशेष सत्र पर आवाज उठाई थी कि उसका उच्च स्तरीय जांच हुआ जाए। राज्य सरकार एसआईटी गठन कर दी है, राज्य के सभी छात्र छात्राएं इससे संतुष्ट नहीं है। इसको लेकर आजसू पार्टी के चरणबद्ध आंदोलन के तहत कल सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से छात्र छात्रों को एकजुट किया गया। आज दूसरी घड़ी में मशाल जुलूस के निकाले हैं। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई की जांच हो। जो दोषी जो अभ्यर्थी अपना हक और अभिजाज के लिए जेएसएससी कार्यालय में जो घेराव करने गए थे उनके ऊपर जो एफआईआर किया उसको वापस किया जाए, उस एजेंसी के ऊपर एफआईआर किया जाए जो इस पूरे परीक्षा को कंडक्ट कराई है। आज इसको लेकर 17 तारीख को महामहिम राज्यपाल के साथ प्रदर्शन करेगी और अपनी बातों को रखी कि जल्द से जल्द इस प्रकरण पर सीबीआई जाँच किया जाए। अभी जो छोटे छोटे मछली बन रही इसमें बहुत से कोचिंग संस्था वाले और बड़े बड़े व्यवसायी लोग लगे हुए इस परीक्षा पत्र को लीक करने में। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी सीबीआई जांच और जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर सजा मिल पाए। अच्छा, इस मामले में अभी एसआईटी की तरफ से भी जांच चल रही है, ईडी भी इस मामले में जांच कर रही है, क्या आप लोग एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है कि सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं? जांच देखिए, जांच होते ऐसा हो जाता है कि आजकल छात्र जो भी समय आप जानते हैं किसी का पढ़ते पढ़ते समय उम्र खत्म हो गया, ऐसे समय में ऐसा काम जो किए हैं मौजूदा सरकार, ये नहीं होना चाहिए था। और आज के डेट में जो छात्र इतना दिन भर रात दूसरे गांव से आके पढ़ते हैं, यहाँ रांची में रह के पढ़ते हैं और ऐसा रिजल्ट पेपर लीक वगैरह जो होता है किसी मामूली एजेंसी के द्वारा, ये ठीक बात नहीं है। उसी के द्वारा हम लोग आजसू पार्टी के कार्यकर्ता और स्टूडेंट यूनियन पूरा हम लोग आज मशाल जुलूस के माध्यम से सभी को बताना चाह रहे हैं, सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं कि इस तरह छात्रों के साथ खेलना बंद करें। अच्छा, ये समझना चाह रहे थे कि आप लोग की जो मांगे हैं कि नीरज सिन्हा को बर्खास्त किया जाए, साथ ही सीबीआई जांच हो, एसआईटी की जांच चल रही है और उसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी है, क्या आजसू छात्र संगठन एसआईटी की जाँच से संतुष्ट नहीं है? आप ये सोचिए कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 8 साल पूर्व की परीक्षा 8 साल बाद होती है और वो आठ घंटे बीते बिना वो एग्ज़ाम रद्द हो जाती है। छात्र एग्ज़ाम सेंटर से अपने घर नहीं पहुंचते हैं और उनको न्यूज़ मिलता है कि एग्ज़ाम रद्द हो चुकी है, तो इस सरकार के तंत्र पर छात्र छात्राएं कैसे विश्वास कर लें? क्योंकि एसआईटी के जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं उन पर ठीक है, वो ठीक अपने जो भी जांच करे वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं तो उन पर दबाव होगा। इसलिए हम एक ही मांग करते हैं कि जो राज्य सरकार की एजेंसियां हैं उनसे जांच ना कराकर आप सीबीआई जांच कराएं और इस जो भी इसमें दोषी हैं आप उस पर कड़ी कार्रवाई करें। सरकार ही 2023 में नीति लाई थी कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, 1 करोड़ का जुर्माना होगा। आज वो सरकार की नीति और वो सरकार का कानून कहाँ है? सरकार को इस पर अमल करनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि पूरे झारखंड में भविष्य में ऐसा कोई मतलब करने का हिम्मत नहीं करे कि क्वेश्चन लीक हो या क्वेश्चन पेपर बेचने का काम करे या घूस देकर नौकरी ले सके। ठीक है, एक और सवाल आपकी, एक और ये भी मांग है कि जो छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उसे वापस लेना है, लेकिन उस दिन की जो खबरें रहीं उसमें छात्र भी कहीं ना कहीं उस प्रदर्शन में उग्र हुए थे, इसको कैसे देख रहे हैं? उग्र होना जाहिर सी बात है कि जो लोग 2014 से पहले से तैयारी कर रहे थे उसमें कई छात्र छात्राएं ऐसे थे जिनकी शादी हो चुकी, बच्चे हो चुके और उनको रोजगार नहीं मिला, तो आखिर वो अपना दर्द किसके सामने बयां करें?
तो उग्र होना जाहिर सी बात है कि उग्र लोग होंगे। जब राज्य सरकार को यहाँ के युवाओं की चिंता नहीं है तो फिर यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे। अच्छा, कल आप लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया तमाम कॉलेजेस में, इसके बाद आज आप लोगों का मशाल जुलूस है, आगे की क्या रूपरेखा है, क्या रणनीति? आगे की रणनीति जो भी होगी, हमारे अध्यक्ष जो हैं सुदेश महतो जी, उनके नेतृत्व में हम लोग आगे काम करेंगे। बाकी जैसा उनका आदेश होगा, बाकी उसमें हम लोग करेंगे कार्य। एक सवाल था, आज आप लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है, कल आप लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया ये पेपर लीक मामले को लेकर, आगे इसकी क्या रणनीति है? आगे हम लोग अभी 17 तारीख को फिर से हम लोग का पूरे झारखंड में जितने जिले हैं सब जगह हम लोग यही वीडियो को हर ब्लॉक में आवेदन देने का काम कर रहे हैं, और सरकार को अवगत करवाना चाह रहे हैं कि इस साल हर साल छलने का काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन। अभी तो सरकार देख रहे होंगे कि पहले एग्जाम उधर ले रही है सरकार, और पहले इधर क्वेश्चन भी बांट रही है। पहले आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट के साथ क्या छल हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोग अवगत कराना चाहते हैं कि स्टूडेंट के साथ हमेशा नहीं खेले। स्टूडेंट का एक भविष्य होता है, एक सपना होता है, माँ बाप का सपना होता है, पढ़ लिख के मेरा बेटा आगे बढ़े। अगर कोई पैसा एकक मेहनत करके गाँव से शहर से या तो कहीं से बहुत दूर दूर से पढ़ लिखने के लिए आते हैं शहर में, और एक मुकाम में अगर एक सीढ़ी बढ़ना चाह रहा है कोई स्टूडेंट, तो उसको सरकार रोकने का काम करती है। आप देख रहे हैं कि पहले एग्जाम ले रहे हैं और फर्स्ट में इधर फर्स्टे में मिल जा रहा है, एग्जाम बैठे भी नहीं, फर्स्ट में तुरंत क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि सरकार एकदम नाकामा काम कर रहे हैं। आप हर झारखंड का जनता, युवा से लेकर बुद्धिजीवी तक सब जाग चुकी है, देख चुकी है कि यह सरकार क्या है, नहीं है, इसको 2024 में उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.